बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अपने पैतृक गांव महकार में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर जीतनराम मांझी ने कहा कि देश के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज देश के संविधान पर खतरा हो गया है। आज हम लोगों का भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस अवसर पर हम बाबा भीमराव अंबेडकर को जो संविधान निर्माता हैं उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो संविधान पर खतरा उपस्थित हो गया है, आज उस खतरा के खिलाफ सभी मानव जाति बहुजन एक होकर के संविधान की रक्षा करें, क्योंकि ये संविधान ऐसा है जिस पर बाबा ने कहा था कि संविधान जो है सो ठीक है, लेकिन जो इसको अनुपालन करेगा उस पर निर्भर करता है कि ये संविधान को कैसे इम्प्लीमेंट करता है। आज उस शब्द को हम लोग दोहराते हैं और समझ में आता है कि आज संविधान को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं कहीं न कहीं कमी है, जिसके चलते आरक्षण की नीति हो, आर्थिक नीति हो या वैदेशिक नीति हो, हर स्तर पर हिंदुस्तान को कहीं न कहीं आग्रह करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के भगवान के रूप में हैं उनको याद करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का मामला है या निजी क्षेत्र और जुडिशरी में आरक्षण का मामला है, आज छूटा हुआ है। यदि आज संकल्प हम लोग लेते हैं कि ये दोनों चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोग सम्मिलित होकर के आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, और आज जो वैश्विक त्रासदी हम लोगों के सामने कोरोना के रूप में आ गई है, इससे भी हम निश्चित रूप में बिहार सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास की सराहना करते हैं कि आज इस विकट घड़ी में जिस प्रकार से गाइडलाइन दे रहे हैं और उसके आधार पर आज हिंदुस्तान के लोग अभी अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो हम लोग सोचा था कि जितनी त्रासदी आएगी वैसी त्रासदी नहीं है, और ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सूझबूझ के चलते ये सारा काम हो रहा है। हम भी अनुरोध करते हैं सभी बातियों बिहार वासियों से कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और अपने को जो लॉकडाउन किया हुआ है उसका अनुपालन करते हुए जो भी आदेश आवे केंद्र से या राज्य से उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। लेकिन एक बात इसमें हम कहते रहे हैं और आज भी कहना चाहते हैं कि चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या लॉकडाउन का मामला हो, हम देख रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को निपटने के लिए नीतीश कुमार जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं, हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको और आगे तक बढ़ाएं ताकि गरीब लोगों को भी सुविधा मिले। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि एक सोशल ऑडिट का आदेश अगर नीतीश कुमार दे दें कि राशन बट रहा है कि नहीं बट रहा है, भारत सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में कहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं या क्या क्या सुविधाएँ मिल रही है उसकी जानकारी हो जाएगी, और उस जानकारी के आधार पर निश्चित रूप में और जो नीतीश कुमार करना चाहते हैं कारगर रूप से इम्प्लीमेंट होगा। हम इस संबंध में यही कहना चाहते हैं कि कोरोना से हम लोग निश्चित रूप में निपटेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आज तकलीफ है बाहर में हमारे जो लोग अभी